ओके गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। क्या रखिए प्यारे में, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, सुबह के हो रहे हैं 7 और मैं 6 बजे उठ गई थी। क्या कहते हैं, क्या रखिए, डैडी का खाना वाना बनाया है और पैक वगैरह कर दिया, लेकिन ये अभी नहीं उठे, पता नहीं कब उठेंगे। मैं उनको उठा रही हूँ, चलो उठो उठो, ऑफिस जाना, उठ ही नहीं रहे। बाकी क्या कहते हैं, और काम मतलब काम तो अभी खैर कुछ नहीं हुआ, जब ये जाएंगे उसके बाद ही, जब घर खाली हो जाता है ना मेरा, जब भी काम करने का मन करता है, वरना तो सब इधर उधर चलते फिरते रहते हैं। तो अभी क्यारा सो रही है, क्यारा के डैडी भी सो रहे हैं और मैं उठी हुई हूँ, तो मैं सोची चलो आज का ब्लॉग ही स्टार्ट कर देते हैं। सो गाइस, आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट होता है अब से। और हाँ गाइस, जो मेरा गाँव का शादी वाला ब्लॉग था, उसे आप लोगों ने मतलब और वीडियोस में भी इतना कुछ खास नहीं रहता, लेकिन और वीडियोस से ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा प्यार दिया था। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी ही सारी वीडियोस को प्यार दो, और बस थैंक यू इसके लिए और कुछ नहीं। तो आप मेरी सारी वीडियोस को प्लीज़ वॉच करा करो, अच्छी तरह लाइक करा करो, और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगेगा, एक मोटिवेशन मिलती है अगर आप कुछ कमेंट्स भी करोगे, लाइक भी करोगे, कुछ भी, तो एक मोटिवेशन मिलती है और कुछ नहीं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना ब्लॉग। वैसे मैं चाय पी चुकी हूँ, सुबह की मॉर्निंग की चाय। यहाँ ना ये बाहर वाला रूम है ना, यहाँ पर बैठो और हवा आती है ताज़ी ताज़ी। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, है ना, मतलब हमारे यहाँ ना काफ़ी पेड़ पौधे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। एक सेकेंड, देखिए कितनी ग्रीनरी है यहाँ पर, देखिए बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से ना बहुत प्यारी हवा आती है, तो इसलिए मैं यहीं पर बैठकर अपनी चाय का मज़ा ले रही थी। चलिए, हाँ जी गाइस, तो वहाँ तो मतलब बाहर का तो आपको दिखाई दिया है व्यू कैसा हो रहा है। बाकी अभी मिलते हैं हम थोड़ी देर में। आज मैं ये सोच रही हूँ, आज ना मेरा बड़ा मन कर रहा है कि ना क्यारा के लिए कोई ड्रेस देखूँ, मतलब कुछ ड्रेस बनाऊँ अपने आप कटिंग वगैरह करके। बट मेरे पास ना अभी कोई फैब्रिक नहीं है, कोई कपड़ा वगैरह है नहीं ऐसा। बाकी मैं देखती हूँ कुछ निकलता है तो अभी ट्रायल के लिए बना देती हूँ, बाद में कपड़ा खरीद के अच्छी अच्छी ड्रेस बना देंगे, है ना। ट्रायल में देखते कैसी बनती कैसी नहीं, अगर अच्छी बनी तो मैं कपड़ा लेके आऊँगी अच्छा सा, और फिर उसके लिए ड्रेस बनाऊँगी एक दो। बाकी चलिए अभी हम मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय बाय। गाइस, क्यारे के डैडी गए हैं ऑफिस, देखिए जा रहे हैं, अब हम मिलते हैं थोड़ी देर में।
करा, नहाना धोना, खाना पीना, काम वाम सब कुछ हो चुका है। और आज ना मैंने मतलब कसम खाई थी कि मुझे क्या ये ड्रेस सिलनी सिलनी है। वैसे मेरे पे अच्छी फैब्रिक का कोई कपड़ा तो था नहीं, जो घर पे बचा कुचा था उससे ही सिल दिया। बाकी मैं ना मार्केट जाऊंगी, इसके लिए बहुत अच्छा सा कपड़ा लेके आऊंगी और एक दो ड्रेसेस सिलनी है मुझे अच्छी तरीके से। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्यारा ने पहनी हुई है ड्रेस, एक सेकंड रुक जाओ। तो ये रही हमारी क्यारा की ड्रेस। क्यारा खड़े होकर दिखाओ, वैसे बात सुनती नहीं है, वैसे तो दिखाओ, ओ सॉरी दिखाओ। ये रही है इसका, क्यारा का है जम सूट और ये पीछे मैंने डोरी भी लगाई है, ये पूरा जम सूट है अटैच है। और देख क्यारा कैसा लग रहा है आपको, क्यारा कैसा लग रहा है बेबी? आप तो अच्छे हो ही, आप तो बहुत क्यूट हो मैं जान हूँ। आप तो ड्रेस कैसी लग रही है आपको? हैप्पी हैप्पी तो डांस करके दिखा दो, हैप्पी हो तो। आय हाय ठुमके तो मार के दिखाओ, मैं सीटी मार सीटी मार, ओहो सीटी मार, वही गाना गा रही है हमारी क्यारा, सीटी मार सीटी मार। आप गा दो दूसरा सॉन्ग आ गया, ये नहीं समझ आने वाला बेटा है ना, दिखाओ बोल दो। हे गाइस, हाय गाइस, मेरी मम्मा ने मेरे लिए ड्रेस ली है, अच्छी है ना? अच्छी थी है। बहुत अच्छी है, फ्लैग किसी कर दो सबको। अब डांस करके दिखा दो, गिनना नहीं गिनना नहीं, आ जाओ सो गाइज मैंने क्या की ड्रेस सिल दिया। और मतलब अगर मैं अच्छा सा फैब्रिक का कोई कपड़ा लेके आऊँगी तो और भी अच्छे तरीके से सिलूंगी। तो मैंने जल्दी जल्दी में सिल दिया, थोड़ा 19-20 हो गया होगा इधर उधर ये सब चीज़, हल्का सा इसका कंधा इधर साइड का उतर रहा है, वैसे उतना ही नहीं उतर रहा, हल्का सा ऐसे हो रहा है बस और कुछ नहीं। बाकी अच्छा सा एक फैब्रिक लेके आना है और क्या कहते हैं इसकी प्यारी सी एक दो ड्रेस सिलने वाली हूँ मैं। मेरा का मेरा ना बड़ा मन कर रहा है इसके लिए सिलने का, देखो। बट क्यारा तो हैप्पी है ना भाई, हैप्पी हो ना? हैप्पी हो मैं, इसको बहुत अच्छी लगी और बोल भी रही थी मम्मा अच्छी है, मम्मा बहुत अच्छी है। और इन्हें फोटोशूट भी कराया है, मैं वो भी डालूंगी आपके साथ वीडियो में, वो भी ज़रूर देखना आप। हे गाइस, शाम के बज रहे हैं 5:30 और यह कहते हैं क्यारा सो रही है और क्यारा के भी डैडी आए नहीं है, पता नहीं कब तक आएंगे। और मैं हो रही थी बोर बहुत ज़्यादा, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तो पहले तो मैंने नेल पेंट लगा ली, ये देखिए, और हाथ देखना मेहंदी लगाने के बाद कितने गंदे हो जाते हैं, मतलब 2 दिन ही अच्छे लगते हैं उसके बाद तो बड़े गंदे हो जाते हैं। मैंने नेल पेंट लगाई, अब सोची क्या करूँ। तो अब ये सोचती हूँ, ये मैंने कपड़े धोए थे तो सोच रही हूँ उनकी क्यारा की डैडी की जो ड्रेस है उस पर प्रेस कर दूँ। तो चलिए अब हम प्रेस करते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइज मेरी चाय तो बन के हो गई है रेडी, अब चलिए हम पीते हैं, आइए गाइज। सो गाइज मेरी चाय बन के हो गई है रेडी और अब मैं चाय पीती हूँ। और हाँ छोटी मोटी सी लगी थी भूख, तो मैंने सोचा चलो नमकीन, थोड़ी सी नमकीन खाई जाए चाय के साथ। चलिए तब मैं मिलती हूँ आपको चाय पी के। Thank you.
सो रात के बज चुके हैं 11 और मैं अपना ब्लॉग बहुत पहले ही एंड कर देती, लेकिन क्या रखे अचानक से थोड़ा मतलब फीवर सा हो गया था और फीवर की दवाई तो वैसे रखी हुई थी लेकिन उसको ना पोटी ज़्यादा लग गई थी, मतलब लूज मोशन लग गए थे। लेकिन क्या कहते हैं लूज मोशन के साथ ना उसके पेट में दर्द हो रहा था जब वो पोटी करती थी, कर रही थी आज पूरे दिन से। तो फिर हम डॉक्टर के ले गए, वहाँ से आए, फिर खाना खाया, फिर इतना टाइम हो गया पता ही नहीं चला। सो ये थे मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग ज़रा सा भी पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को, पता ही आपको क्या क्या करना है, तो बार बार बोलने से कुछ फ़ायदा नहीं है। चलिए जब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।